को भी प्रेरित करिए कि 8 तारीख के विरोध प्रदर्शन में इससे बदले गरम जगह कहाँ हो जैसी भी स्थिति। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहाँ है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। कोविड के चलते जिस तरीके से पूरे भारत को बंद करने का काम हुआ, लॉकडाउन हुआ, देश की पूरी जनता अपने घरों में कैद हुई, सारे बाजार बंद हुए, सारे कार्यालय बंद हुए, सभी प्रकार की गतिविधियाँ को बंद होने का काम हुआ, लेकिन ऐसे समय में भारतीय रेल, हमारे रेल कर्मचारियों ने यात्री गाड़ियां भले ही बंद हो गई हों, लेकिन मालगाड़ियां, पार्सल गाड़ियों को चलाने का काम किया, जो देश के कोने कोने तक खाद्य सामग्री, दवाइयां, इसकी आपूर्ति करने का काम किया, पेट्रोलियम, कोयला को पहुंचाने का काम किया, और विभिन्न प्रकार के ऐसे काम जैसे कोचिज़ को आइसोलेशन वार्ड में बदलने का काम किया, इस प्रकार के काम में हमारा 50% से अधिक रेल कर्मचारी फ्रंट लाइन स्टाफ के रूप में आने का काम हुआ। और उसके बाद लॉकडाउन 3 में जिस प्रकार से श्रमिक स्पेशलें चली, इस देश के अंदर उस श्रमिक स्पेशल को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रेल कर्मचारियों ने दिखाने का काम किया। इन सब के चलते माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी रेल कर्मचारियों की भूरी भूरी सराहना की और उन्हें कोरोना वॉरियर्स मानने का काम किया, योद्धा मानने का काम किया। इन सब के चलते हमने ये भी देखने का काम किया कि एक तरफ तो रेल कर्मचारी 24 घंटे इस लॉकडाउन पीरियड में काम करता रहा, और उसके बावजूद भी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, रेल कर्मचारी के डीए को फ्रीज किया गया, रेल कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती करने की योजना बनाई जा रही है, मल्टी स्किलिंग के नाम पर रेल कर्मचारियों की, सरकारी कर्मचारियों की संख्या को कम करके और पदों को सरेंडर करने की योजना बनाई जा रही है, इस प्रकार की जो गतिविधियां, श्रम कानूनों में बदलाव करने के प्रयास किए जा रहे हैं, इस प्रकार की जो गतिविधियां अभी सरकार के माध्यम से इस कोरोना कोविड के चलते जो अपॉर्चुनिटी के रूप में की जा रही हैं, उसका ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन बहुत विरोध करता है। और इस विरोध के चलते हमारी यूनियन ने ये फैसला लिया कि 1 जून से लेकर 6 जून तक हम जन जागरण सप्ताह मनाएंगे, एक एक कर्मचारी के पास जाकर उसको समझाने का काम करेंगे, उसको बताने का काम करेंगे कि सरकार इस कोविड के चलते सरकारी कर्मचारियों के साथ क्या अन्याय करने जा रही है। और उसके बाद 8 जून को पूरी भारतीय रेल के ऊपर विरोध दिवस मनाया जाएगा। उस दिन हम सारी सावधानियों को, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए पूरे देश के रेल कर्मचारी काला फीता बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, और जैसी परिस्थिति उस समय होगी उस परिस्थिति के अनुकूल अपना विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। अरुण गुप्ता, मंडल मंत्री, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन।